हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज फिर एक नए वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक सिंबल्स के बारे में। तो दोस्तों, हाइड्रोलिक सिंबल्स पढ़ना और समझना, जो ड्राइंग में होता है हाइड्रोलिक सिंबल्स, उसको समझना कितना ईजी है और पढ़ना कितना ईजी है। तो आज हम इस वीडियो यानी इस सिंबल्स के जरिए हम सभी दोस्तों को समझाएंगे और बताएंगे। तो दोस्तों, हमने डिस्प्ले पे पावर पैक के ऊपर जो हमारा सर्किट होता है उसका डायग्राम हमने स्क्रीन पर रखे हुए हैं, आप डिस्प्ले पर देखिए। इस पावर पैक के ऊपर ये सेम सर्किट लगा हुआ होता है, जो हमारा पावर पैक में क्या क्या है, इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है या फील्ड में क्या क्या लगा हुआ है, वो सारा वो सर्किट में दिखाता है दोस्तों। तो उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ये सिंबल्स मालूम होना चाहिए। यदि हमें सिंबल्स मालूम है तो हम आसानी से सर्किट पढ़ भी सकते हैं और देख भी समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट में यहाँ पर हमने हाइड्रोलिक पंप दिखाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम ट्रायंगल दिखाए हैं, जो ट्रायंगल, जो सॉलिड ट्रायंगल है, वो बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जो बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहा है यानी आउटसाइड में इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारा पंप का सिंबल्स हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा शाफ्ट का रोटेशन दिखा रहा है, शाफ्ट का रोटेशन दिखा रहा है कि हमारा ये ड्राइव शाफ्ट है वो किस मोमेंट होता है, किस साइड में मोमेंट होता है, उसका रोटेशन यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों। जस्ट नीचे में दिखाया गया है दोस्तों हाइड्रोलिक मोटर्स। तो हाइड्रोलिक मोटर में जो हमारा सॉलिड ट्रायंगल लगा हुआ है दोस्तों, वो इन साइड इंडिकेट कर रहा है यानी नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारा हाइड्रोलिक मोटर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हम एरो दिखाए हैं। तो एरो में क्या होता है दोस्तों, या तो हमारा ये हाइड्रोलिक मोटर में एरो लगा हुआ है, जिससे क्या होता है कि हम हाइड्रोलिक मोटर में चेंजिंग कर सकते हैं, यानी इसका स्पीड कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ चेंजिंग कर सकते हैं। यही एरो हम यहाँ पे अगर मोटर में लगा देते दोस्तों, सॉरी पंप में लगा देते हैं, तो एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप हो जाएगा दोस्तों। जिसे जैसे मान लेते दोस्तों, हमने यहाँ पे लगा दिया दोस्तों, ये पंप में भी हमने लगा दी है, एरो चीज लगा दी है। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे इस तरीके का अगर दिखा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा पंप में जो कंपनसेटर वाल्व होता है, जिसे हमें प्रेशर या रिफ्लो एडजस्ट करना है, चेंज करना है, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं सिंबल में दोस्तों। तो इस तरीके से पंप का भी सिंबल बना सकते हैं, इस तरीके से आप मोटर का भी सिंबल्स बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में बात करते हैं दोस्तों ये फिल्टर का। ये हमारा हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया दोस्तों। जो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन दिखाया गया है, वो हमारा जो फिल्टर में जो जाली होता है दोस्तों, उसका यहाँ पे इंडिकेट दिखाया जा रहा है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फिल्टर हो जाएगा दोस्तों, ये हाइड्रोलिक फिल्टर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे टैंक है दोस्तों, जिसको हम लोग रिजर्वायर भी बोल देते हैं या टैंक भी बोलते हैं। तो टैंक हम यहाँ पे सर्किट में या डायग्राम में क्या होता है कि यहाँ पर हाफ दिखा हाफ दिखाता है दोस्तों, पर ये हाफ होता नहीं है दोस्तों, ये पूरा कवर होता है, चारों साइड से पूरा डमी होता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर वाल लगा दे, पंप लगा दे, तो क्या हो जाता है, ये पावर पैक में पावर पैक होता है दोस्तों। पर आपको सिंबल में दिखाना है तो आप इस तरीके से ड्राइंग में दिखा सकते हैं दोस्तों टैंक का सिंबल। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों गेट वाल्व। तो गेट वाल्व जब हम पावर पैक से नीचे यानी हट के लगाते हैं, हाइड्रोलिक पंप हो जाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर हो जाता है। तो उस जगह पर जब हम पंप से हट के लगाते हैं, तो वहां पर हम लाजमी है या वहां पर लगाते ही हैं गेट वाल्व। तो गेट वाल्व का सिंबल आप इस तरीके से दिखा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों लेवल गेज का। जो हमारा टैंक में जो तेल होता है दोस्तों, वो हमारा ये लेवल इंडिकेट करता है कि हमारा टैंक में अभी कितना तेल है, वो यहाँ से इंडिकेट करेगा। ये दोनों लाइनिंग है दोस्तों, ये हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा पावर पैक में यानी टैंक में हमारा कितना तेल है, वो हमारा लेवल गेज से लेवल दिखाता है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ज्वाइंट की। तो दोस्तों, एक पाइप दूसरी पाइप में अगर कनेक्ट हुई है, तो आप इस तरीके से ड्राइंग भी दिखा सकते हैं, बना के भी दिखा सकते हैं, या ड्राइंग में है सर्किट में है तो आप समझ सकते हैं कि ये पाइप ज्वाइंट है। यहाँ से हमने ये एक सीधी लाइन दे दी है, इधर के टी लाइन हो गया दोस्तों, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर के देख रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा ज्वाइंट हो गया। अब जब दूसरी लाइन अगर नीचे की तरफ लेते हैं, फिर हम इस तरीके से हल्का राउंड यहाँ पर ब्लैक
ब्रेक कर देंगे, राउंड हल्का कर देंगे तो हमारा दूसरी ज्वाइंट हो जाएगा। बट आप जितनी इसमें चाहे उतनी ज्वाइंट निकाल सकते हैं, आप दिखा सकते हैं इस तरीके से दोस्तों। इसके बाद आ जाएगी दोस्तों क्रॉसिंग, क्रॉसिंग लाइन। तो क्रॉसिंग लाइन अगर आपको दिखाना है दोस्तों, या सेम्बल्स में दिखाना है, या कहीं सर्किट में है बना हुआ है या है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉसिंग लाइन से क्या होता है। एक पाइप सीधा जाएगा और दूसरी पाइप आएगा, हल्का फ्लक्चुएशन टाइप का यहाँ पर दिखा देना है। उससे क्या होता है दोस्तों, यानी एक क्रॉसिंग लाइन हो गया, एक पाइप लाइन ऊपर है तो दूसरी पाइप लाइन नीचे की तरफ जाता है, एक ऊपर नीचे की तरफ से पाइप लाइन क्रॉसिंग होता है, यानी एक दूसरे को कट नहीं करता दोस्तों। तो आप क्रॉसिंग लाइन इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसके बाद आया था दोस्तों फ्लेक्सिबल पाइप। फ्लेक्सिबल पाइप जिसको हम लोग हॉर्स पाइप बोलते हैं, हाइड्रोलिक हॉर्स पाइप भी होता है दोस्तों। तो आप इस तरीके से सिंबल दिखा भी सकते हैं, या अगर इस तरीके के सर्किट में हैं तो आप समझ सकते हैं आसानी से कि हमारा फ्लेक्सिबल पाइप की या सिंबल्स है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंकुमुलेटर की। तो इंकुमुलेटर में ये वाली एरिया हो जाएगा दोस्तों। इस एरिया में क्या होता है, हाइड्रोलिक वायल होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस होता है दोस्तों, इसमें स्प्रिंग भी आता है दोस्तों, इसके बाद ब्लैडर भी आता है। तो हमने यहाँ पर ब्लैडर टाइप्स में दिखाया है दोस्तों, और ऊपर में नाइट्रोजन गैस होता है, इसमें हाइड्रोलिक वायल होता है दोस्तों। तो इस इंकुमुलेटर का असेंबल्स आप इस तरीके से दिखा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं स्प्रिंग का। तो सर्किट में या कहीं डायग्राम में, या आप सिंबल्स बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, तो ये स्प्रिंग का सिंबल्स हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व 4x3 हमने डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व दिखाया है यहाँ पे दोस्तों। तो इसका भी हमने चैट स्क्रीन पर रख दिया है दोस्तों, आप वहाँ से इजी समझ लीजिएगा, बट हम यहाँ भी समझा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटर क्लोज का यहाँ पे दिखाया है 4x3। तो थ्री पोजीशन हो जाता है दोस्तों, जैसे यहाँ से यहाँ एक पोजीशन हो जाएगा, यहाँ से दो पोजीशन हो जाएगा, यहाँ से थ्री तीन पोजीशन हो जाएगा, अब फोर पोर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो PTAB ये हमारा फोर पोर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पे दिखाया है सेंटर क्लोज। इसके बाद नीचा भी आप इस तरीके से दिखा सकते हैं दोस्तों, सिंबल्स में या ड्राइंग में दिखा सकते हैं। तो आप ये सेंटर ओपन हो जाएगा दोस्तों, इसका PTAB ये चारों के चारों पोर्ट आपस में कनेक्ट है, यानी ओपन सेंटर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद सेंटर थर्मल हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से दिखा देते हैं, जो ए या बी कनेक्ट है, बाकी पी या टी ये हमारा क्लोज है। इसके बाद सेंटर फ्लोज दिखा सकते हैं सर दोस्तों। तो ए बी या टी आपस में कनेक्ट है, पी पोर्ट हमारा क्लोज है। इसके बाद नीचे में 2x4 का भी डायरेक्शन कंट्रोल वाला अगर सिंबल्स दिखा इस तरीके से दिखा सकते हैं दोस्तों, या तो इस तरीके से सिंबल्स बना हुआ है, या ड्राइंग में है, या सर्किट में है, तो आप समझ सकते हैं इस टाइप का है। तो 2x4 है, तो टू पोजिशन हो जाएगा, अब फोर पोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पी पोर्ट दे सकते हैं, यहाँ पर टी पोर्ट दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रहेगा ए पोर्ट, यहाँ पर बी पोर्ट। ये हमारा 2x4 डायरेक्शन कंट्रोल वाला हो गया दोस्तों। इसके बाद हमने यहाँ पे दिखाया है दोस्तों ये पायलट ऑपरेटिंग चेक वाल्व। ये पायलट से पायलट लाइन से ही ऑपरेट होता है दोस्तों। तो ये पायलट ऑपरेटिंग चेक वाल्व, ये पायलट लाइन से ऑयल जाएगा, तेल जाएगा दोस्तों, हाइड्रोलिक ऑयल जाएगा, तो ये चेक वाल्व ओपन होगा। एक इसमें भी आता है दोस्तों वो पायलट ऑपरेटेड क्लोज चेक वाल्व। तो ऊपर से हम पायलट लाइन दे रहे हैं दोस्तों, तो क्या होता है चेक वाल्व को पायलट ऑपरेटिंग से ही क्लोज भी करते हैं, बट ये हमारा यहाँ पर ओपन लाइन हमने दिखाया है, पायलट ऑपरेटिंग ओपन चेक वाल्व है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चेक वाल्व। तो चेक वाल्व में क्या होता है कि एक ही साइड से जो प्रेशर जाएगा दोस्तों, ऊपर की तरफ प्रेशर जाएगा, बट बैक प्रेशर आएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग प्रेशर यानी लोड से ये वाल्व बंद हो जाएगा। तो ये चेक वाल्व सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही फ्लो को प्रिवेंट करता है दोस्तों, बैक प्रेशर नहीं आने देगा, अगर आएगा तो उस समय क्या होगा, ये चेक वाल्व बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसलिए हम इसको NRV भी बोलते हैं और इसको चेक वाल्व के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ये फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो फ्लो कंट्रोल वाल्व सिस्टम में हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमें सिलेंडर हो गया था, हाइड्रोलिक मोटर हो जाता है दोस्तों, उसको स्पीड हमें चेंजेस करना है, जैसे हमको स्पीड ज़्यादा रखना है या कम रखना है, तो उस मोमेंट में हम क्या करते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व को यूज करते हैं। वहां से हमने क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, कितना हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्पीड को ज्यादा रखना है कम रखना है, तो फ्लो कंट्रोल वाल्व से हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिखाया है दोस्तों हमने रिलीफ वाल्व। तो रिलीफ वाल्व में नीचे जो लाइन आया हुआ है दोस्तों, ये टैंक की लाइन हो जाएगा, जो ऊपर से आया हुआ मेन लाइन हो जाएगा, ये प्रेशर का लाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने सॉलिड लाइन दिखाया है, ये मेन लाइन हो जाएगा, यहाँ सॉलिड ये पायलट लाइन हो जाएगा, यानी डॉट डॉट ये डैश डैश लाइन हो जाएगा, ये पायलट लाइन हो जाता है दोस्तों।
तो यहाँ पर हमने पाइलेट लाइन के लिए टाइटस लाइन दिखाए हुए हैं, ये सॉलिड लाइन दिखाए हुए हैं, ये मिल लाइन हो जाएगा प्रेशर का, और ये यहाँ नीचे में टैंक हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा रिटर्न टैंक में आ जाता है दोस्तों। बट हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग का सिंबल दिखाया है, एरो का सिंबल दिखाया है, जहाँ पर हमने एरो को यहाँ जैसे अपने मोटर में दिखाया है, पंप में दिखाया है, यहाँ पर रिले पार्ट में दिखाया है, जहाँ पर हमारा एरो का चिन्ह रहता है दोस्तों, वहाँ पर वेरिएबल हो जाता है, वेरिएबल वेरिएबल हो जाता है। वेरिएबल से क्या होता है दोस्तों कि हम वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, यानी स्पीड में, प्रेशर में, फ्लो में, किसी भी चीज़ में हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिलीफ वाल्व में भी सेम ही है प्रोसेस, यहाँ से हम आप चेंजिंग कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम सिस्टम में देते हैं प्रेशर, उसे अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा होता है, वो हमारा क्या होता है दोस्तों टैंक में आ जाता है रिटर्न तेल। इसके बाद हमने यहाँ पर दो सिलेंडर दिखाए हैं दोस्तों, एक सिंगल एक्टिंग दिखाया है, एक डबल एक्टिंग दिखाया है दोस्तों। सिंगल एक्टिंग में सिर्फ एक ही पोर्ट रहेगा दोस्तों, जिसको हम ए पोर्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डबल एक्टिंग में ए पोर्ट और बी पोर्ट हम हॉर्स पाइप कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो आप सिंगल एक्टिंग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और डबल एक्टिंग इस तरीके से सिंबल्स दिखा सकते हैं दोस्तों। यदि सर्किट में इस तरीके का सिंबल्स है तो आप आसानी से समझ भी सकते हैं कि सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग हमारा सिलेंडर वहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं पीएस गेज, यानी प्रेशर गेज की बात करते हैं दोस्तों। हर पावर पैक उससे क्या करते हैं, हम लाइन के यानी सिस्टम की जो प्रेशर है वो हम देखते हैं, जिसको हम प्रेशर गेज के नाम से जानते हैं दोस्तों। और सिंबल्स बनाना है तो आप इस तरीके से भी सिंबल्स बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट से क्या होता है दोस्तों, टेस्टिंग पॉइंट बहुत सारे वाल स्टैंड के साथ एक हमेशा स्क्वायर में होता है। अगर नेक्स्ट टाइम, अगर फ्यूचर में कभी हमें वाल स्टैंड यानी सिस्टम में आगे बढ़ाना है, तो हम वहाँ से पाइपलाइन निकाल के और मिनी फोल्ड बैठाने के साथ, इसके बाद हम वाल लगा के फिर आगे कभी हम सिस्टम यानी प्रोसेस चालू कर सकते हैं। इसलिए वो टेस्टिंग लाइन एक एक्स्ट्रा होता है जो आगे की तरफ डमी किया होता है, डमी प्लग से इसको डमी किया होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे तीन चार चीजें रखे हैं दोस्तों, जैसे पी की बात आती है तो पी से प्रेशर लाइन हो जाती है दोस्तों, टी टी अगर होती है दोस्तों तो टैंक लाइन हो जाएगी, और ए बी हो जाती है दोस्तों तो सिस्टम अकॉर्डिंग क्वार्टर लाइन हो जाएगी दोस्तों, एक्स हो जाएगी दोस्तों पायलट लाइन हो जाएगी, और वाई से हमारा ड्रेन लाइन हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा आज का हाइड्रोलिक सिंबल्स के बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों से कि आप समझ गए होंगे, तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए, और हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी जरूर कीजिए। यदि हाइड्रोलिक से रिलेटेड रिलेशन नहीं समझ पाए हैं, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप हमें कॉमेंट्स में, कॉमेंट बॉक्स में जाके हमें कॉमेंट कीजिए, तो हम एक एक करके सिंबल्स पे अलग से एक वीडियो बना के आपको डिटेल्स उसके बारे में समझा पाऊँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, तो इसे लाइक भी कीजिए और अपना दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।